रात के दो हिस्से होते हैं, एक चांद और दूसरा जिसमें अंधेरे का राज होता है। उसी दूसरे हिस्से की नज़र एक बार हमारे हॉस्टल पर पड़ी। हम सब श्रीमय के घर जाने से पहले नाच रहे थे, तभी अचानक से वार्डन सर चिल्लाते हुए आए। उनको इतना घबराया मैंने पहले कभी नहीं देखा था। श्रीमय सूर्यांश का रूममेट था, जो दो दिन के लिए अपने घर जा रहा था। ठीक है भाई, चलता हूँ, मिलते हैं दो दिन बाद। ओके ब्रो, चल भाई निकलता हूँ। बाय, हैप्पी जर्नी, संभल हाँ के भाई। जाना। बाय। आज तेरा पहला दिन है, वार्डन के रूम से चाबी ले ले और हर कमरे की सफाई ठीक से कर देना। उसी दिन हॉस्टल में एक नया क्लीनिंग स्टाफ आया। कहाँ है चाबियाँ? सर रूम क्लीनिंग। सॉरी सर। अगली सुबह वो अपने दोस्त से बात करते हुए उसे अपनी परेशानी बताता है, और दोस्त के कहने पर वो रात को सोने से पहले वॉशरूम लॉक कर देता है।
जैसे ही उसका रूममेट आता है वो उसे उस भयानक रात के बारे में सब बताता है और दोनों फिर वार्डन सर को फोन लगाते हैं। ओह शिट, आ रहा हूं। हे भगवान, क्या हो? मैं कितनी बार बोला है? दिक्कत क्या है? उस रूम के आगे सिटी बल्ब बजा करो, कितनी बार बोला तुम्हें? 324 में दिक्कत क्या है? 324 की दिक्कत? बंद करोगे? कुछ साल पहले हमारा एक परेशान का बच्चा था, उसको उसके दोस्त इसी तरीके से परेशान करते थे। एक बार उनके इसी मजाक ने हर्ष की जान ले ली। बस तभी से ये रूम एक पवित्र चाबी से बंद है। फिर सूर्यांश पूछता है कि सर अब ये दोबारा तो नहीं होगा? तो सर कहते हैं कि होना तो नहीं चाहिए। बाद में वो सोचता है कि ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है। सॉरी सर, सॉरी। अरे भैया आराम से अभी साफ करता हूँ सर।